तुम्हें याद हो के या ना याद हो, हमें याद है सब जरा जरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रिवायत को दोहराने लगी है। लोड शेडिंग के खिलाफ नासिर बाग में एहतजाज कर रही है और कारकुन भी खुश हैं, पुरजोश भी हैं। अहम रहनुमा नासिर बाग पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज नासिर बाग में जलसे का एहतमाम किया गया है। मरकजी क्यादत कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेगी। ताहम पार्टी के अहम रहनुमा वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पार्टी कारकुनान भी जलसा गांव में पहुंचना शुरू हो गए हैं और तैयारियां इंतजामात तमाम मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताएगा पंडाल में कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, कौन कौन से अहम रहनुमा पहुंचे हैं अभी तक? जी, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जिनके हाथों में पार्टी परचम है और इसके साथ साथ उनके हाथों में जो है वो हाथों से झलने वाले वाले पंखे हैं जिनको वो हाथों से झल रहे हैं। इस वक्त पिंडाल में नदीम अफजल चंद जो कि वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं, चौधरी मंजूर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान हैं, इसके साथ साथ जो है वो बाकी दीगर रहनुमा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुस्तफा नवाज खोकर जो कि वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी इत्तेहाद है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। समीना खालिद गुरकी, बैरिस्टर आमर भी अपनी रैलियों के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पिंडाल में एक बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की मौजूद है जो कि नारे लगा रहे हैं, हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। पिंडाल को चारों तरफ जो है वो बैनरों और होल्डिंग्स के साथ सजाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो लोग बड़ी तादाद में मौजूद है और जोश व खरोश उनमें जो है वो पाया जाता है। उनके नारे जो है वो आसमानों को छू रहे हैं। जलसे का बाकायदा जो है एहतजाजी कैंप का आगाज कर दिया गया है तलावत कलाम पाक से थोड़ी देर अच्छा बाद यहाँ पर जो ये बताएगा मरकजी क्यादत कब तक पहुँचेगी यहाँ पर, कौन कौन से रहनुमा आज खिताब करेंगे जलसायाम से? जी, आज यहाँ पर जो है वो तकरीबन पूरे वस्ती पंजाब से जो है वो रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ सिंध से खुर्शीद शाह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो भी अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एतजाज हसैन, कमरुज़्ज़मान कायरा, मंजूर मियाँ, मंजूर वट्टू और खुर्शीद शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और वो भी यहाँ पर खिताब करेंगे। बाकायदा यहाँ पर स्टेज जो है उनके लिए कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, जलसे का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। अभी मुख्तलिफ डिवीज़न के जो सदूर हैं वो यहाँ पर जो है गुफ्तगू कर रहे हैं और जलसे को गरमा रहे हैं। कारकुनों का जोश दीदनी है, सरों पर पार्टी परचम की टोपियां उन्होंने पहनी हुई हैं, हाथों में पार्टी परचम पकड़े हुए हैं, सीनों पर उनके बैजेस अवेजा हैं और वो यहां पर जो है वो हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि लोड शेडिंग का जो जिन है वो बोतल में बंद नहीं कर सकी। इस हुकूमत ने चार साल कबल ये वादा किया था कि छः माह में वो जो है लोड शेडिंग का जिन जो है उसको बोतल में बंद कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है, इसलिए अब इस हुकूमत को चले जाना चाहिए। यहाँ पर जो लीडर खिताब कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। उनका ये कहना है कि हम अभी सिर्फ जलसों का ऐलान किया है और आज ये एहतजाजी कैंप पहला लाहौर में लगाया है, लेकिन इससे पहले ही हुकूमत खौफजदा होकर यहाँ से लोड शेडिंग लिफ्ट कर चुकी है। लेकिन हम यहाँ पर अपने जलसे या अपने एहतजाज को रोकेंगे नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोड शेडिंग को खात्मा होने तक हमारे जो कारकुन हैं वो सड़कों पर रहेंगे, जलसे जुलूस होते रहेंगे और इस हुकूमत को बिलाखिर जाना पड़ेगा। जी, तो यानी कि भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। मियां शाहिद, आपका शुक्रिया।